ये खबर नोएडा से आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, नैनीताल बैंक के एक ब्रांच में साइबर ठगों ने पासवर्ड जो है वो हैक किया है। करीब 16.5 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। बताया जा रहा है कि साइबर ठगों ने आरटीजीएस चैनल का पासवर्ड हैक किया, उसके बाद बैंक से करीब 16.5 करोड़ रुपए 89 खातों में ट्रांसफर कर लिए। ठगों ने यह कारनामा 16 से 20 जून के बीच में किया है। इस ठगी का खुलासा होने में देरी इससे हुई क्योंकि बैंक अपनी बैलेंस शीट के मिलान में देरी कर चुका था, और जब किया गया तब पूरी ठगी का खुलासा हुआ। बैंक के आईटी मैनेजर ने नोएडा के साइबर क्राइम सेक्टर 36 थाने में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज करवा दिया। नोएडा का एक बैंक है जहां पर साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया। नैनीताल बैंक नोएडा का है। नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर मिस्टर सुमित श्रीवास्तव के द्वारा थाना साइबर नोएडा में एक तहरीर दी गई, जिसमें ये बताया गया कि दिनांक 16 से 20 के मध्य जून के मध्य एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब करीब 16.5 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। Zee News.